हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। पूरे एक से डेढ़ महीने बाद आज व्लॉग आ रहा है। और व्लॉग क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो गया था। तो अच्छा, मन नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने का। लेकिन क्या हुआ, अभी दो चार दिन पहले मैंने अपना वॉच टाइम चेक करा। यूट्यूब की पॉलिसी है कि आपके 365 दिन में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम आपके चैनल पर होना चाहिए, तभी आपका चैनल मोनेटाइज करेगा यूट्यूब। तो मेरे सब्सक्राइबर्स तो हैं, पर मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं था। तो वॉच टाइम जितना भी था, तो क्या हुआ, मेरे 12 महीने से ऊपर तो हो गए थे, तो अभी तक कट नहीं हुआ था। मुझे लगा नहीं होगा शायद कट। तो अब क्या हुआ, मैंने दो चार दिन पहले चेक करा, तो कम से कम मेरे 80 घंटे कट हो गए हैं। मतलब 6-7 वीडियोस का मेरा वॉच टाइम चला गया है। अब क्या होगा? तो मुझे बड़ा बेकार लगा। अगर ऐसे नहीं बनाई तो ऐसे तो कट कट होते, जीरो पे आ जाएगा वॉच टाइम मेरा, तो पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो फिलहाल आज फ्राइडे है और आज मैं व्लॉग कर रहा हूँ, और व्लॉग आते रहेंगे। ड्राइंग वीडियोस तो मैं डाल रहा था, छोटी छोटी शॉर्ट्स वाली, तो वो तो मैं अपलोड कर रहा था, वो करता रहूँगा। तो व्लॉग भी अब आते रहेंगे। और अभी का सीन बस ये है, अभी मैं फिलहाल छत पर आया था। आज मैं जल्दी उठ गया, आज 5 बजे उठ गया था। फिर मैंने ऊपर आके टाइम लैप्स रिकॉर्ड करा थोड़ा, वो जो कि आपने देख लिया होगा। तो अभी फ़िलहाल मम्मी भी स्कूल जाएंगी, तो मम्मी को छोड़ते हुए फिर सीधे जिम निकल जाएंगे अपन। पापा भी अपने यूनिवर्सिटी जाएंगे। और फिलहाल देखो सामने का व्यू, आप मंदिर में लोग आ रहे हैं। अभी का सीन ये, अभी मैं नीचे आ गया हूँ और मम्मी के स्कूल का टाइम हो गया। अभी फ़िलहाल मैं केले खा रहा हूँ। केले आप सोच रहे हो कट करके क्यों खा रहा मैं, इसमें थोड़ा नमक डाल के खाता हूँ। और मम्मी यहाँ पर स्कूल जाने से पहले दलिया खा के जा रही हैं, हेल्दी। और ये देखो मम्मी के रूम में कल ही एसी लगा है, कल रात में। तो मम्मी कैसा लगा एसी में? बढ़िया। देखो कल ही लगाए, कौन सी कंपनी है, IFB है। अभी मम्मी के स्कूल का टाइम हो गया है, अभी पीछे ही बस आती है रोड पर। मैं मम्मी को छोड़कर सीधे निकलूँगा जिम, तो आपसे वहीं जाकर जिम में मिलूँगा अब सीधे। फिलहाल मैं जा रहा था, मैं सोचा आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखो आपको है ना, घर के बाहर थोड़ा चेंज दिख रहा होगा। पूरी जो दीवार थी ये न्यू बनी है अभी कुछ दिन पहले, क्योंकि ये जो पहले की थी वो टूट रही थी बीच में से, तो ये थोड़ा और ऊँची हो गई है, इसलिए आपको और मंदिर अच्छे से नहीं दिख पा रहा होगा। गेट तो वही है। और फिलहाल बस चलते हैं। और देखो गर्मी पड़ रही है, जानवरों के लिए पानी की टंकी आप भी अपने घर के बाहर रखो। तो गाइस अभी का सीन है, अभी मैं आ गया हूँ जिम में, भैया की जिम है। भैया आज आए नहीं है, जो मतलब जिनकी जिम है और जो ट्रेनर है ये जरूर आ गया। विकास, हेलो गाइस, मेरा नाम विकास है। और हमें वो आदि नहीं है ब्लॉगिंग, तो थैंक यू। इसलिए भी कुछ ब्लॉग बनाए थे लेकिन अब ये शांत हो गए हैं। मैं कब हो गया ये? शांत नहीं, मतलब थक गए हैं। तो अभी कुछ टाइम का इन्हें ब्रेक लिया, ये भी अब स्टार्ट करने वाले हैं ब्लॉग। बिना सरकारी नौकरी कुछ नहीं होता है, इसलिए तो विकास भाई अपने कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी करो, इसलिए इन्हें ब्लॉगिंग छोड़ दी है। तो अब मैं आपको जिम दिखाता हूँ, जिम छोड़। और मैं ब्लॉगिंग छोड़ने के बाद अब प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, जब सरकारी लगी नहीं। क्या बढ़िया था गुरु। तो आप इसमें भी इसको बायजूस में नौकरी, अगर आपको बायजूस की क्लास लेनी है तो विकास कॉन्टेक्ट मी फॉर टेकिंग एडमिशन इन बायजूस। आई एम अ मैनेजर ऑफ ग्वालियर। तो आपको मैं जिम दिखा देता हूँ, घर के पास में जिम है, बहुत छोटी सी है बट घर के पास में ही आ जाओ, 2 मिनट में देख लो एक बार जिम। मेन एंट्री गेट नीचे आते हैं, नीचे आके वहाँ पर भैया बैठते हैं, भैया भी है नहीं। और ये जिम है कुछ इस प्रकार, मशीन्स आ रही हैं, दिखने में आपको थोड़ी सी छोटी लग रही होगी। तो आज ट्राइसेप मारने वाला हूँ मैं। अगर आपको कोई बॉडी बनानी है गाइस, तो एक चीज़ ध्यान रखना। हाँ क्या याद रखना पड़ेगा? मैं भी आज मैं ट्राइसेप लगाऊंगा। ट्राइसेप लगाते हैं, पटक दे लास्ट। तो ट्राइसेप लगाते हैं, देखा पंप पंप हुए। ट्राइसेप तो दिखाई एक बार, ये नहीं तो बाइसेप हो गए। हाँ ट्राइसेप, ओ कहाँ गए? निकल, पहली फुर्सत में निकल। तो अपनी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट, एक दो एक्सरसाइज रह गई है बस बाकी। और ट्राइसेप थोड़े बहुत दिख रहे हैं, ज़्यादा नहीं दिख रहे, अभी टाइम लगेगा आने में। अभी क्योंकि 2 महीने ही हुए हैं मुझे,
तो अभी बॉडी बनाने में तो टाइम लगेगा ना मेरे भाई। मैं घर पर आ गया हूँ और जिम से आने के बाद मैं सीधे एक ग्लास दूध लेता हूँ और ब्राउन ब्रेड प्लस पीनट बटर और एक केला भी मैं इसमें डाल देता हूँ। तो ये पहले मैं जिम से आके सीधे खाता हूँ और अभी का सीन बस यही है, अभी मैं खा रहा हूँ और उसके बाद मुझे तैयार होना है क्योंकि मेरी कोचिंग है। मैं PGDCA और प्लस CPCT की कोचिंग लगा ली मैंने, तो वो जाता हूँ तो वहाँ से ही फिर मैं ऑफ़िस निकल जाता हूँ। ऑफ़िस दो तीन घंटे रहता हूँ, बाकी टाइम ताऊ बैठे रहते हैं, ताऊ आने लगे वहाँ पर, तो फिर मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। और आपको आवाज़ आज के व्लॉग में थोड़ी थोड़ी भारी आ रही होगी क्योंकि मैं माइक का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। क्या है, पूरे दिन व्लॉग बनाऊँ ना तो बार बार माइक को मोबाइल में फिट करना पड़ता है, लीड लगानी पड़ती है, तो इसलिए मैं माइक का यूज़ ही नहीं कर रहा। जब कभी बाहर जाऊँगा अभी तब माइक का यूज़ करेंगे अपन। तो अभी का सीन ये है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद फिर आपसे। तो फिलहाल गाइस मैं हो गया हूँ तैयार और अभी टाइम हो रहा है 11 बजने वाले हैं, 5 मिनट है, तो कोचिंग के लिए निकलते हैं। आज ग्वालियर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, गर्मी ऐसी है स्किन जलाने वाली, तो अपन तो स्वाफी लेके जा रहे हैं, कवर करके चलते हैं फिर जल्दी कोचिंग और आगे के ब्लॉग को फिर कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस ये है अपनी कोचिंग स्टार लाइट, चलते हैं अंदर, क्लास स्टार्ट हो गई है। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और अभी मैं ऊपर ही बैठा था, मैंने ना एक स्केच मतलब ड्रॉ कर लिया था, बहुत 2 महीने हो गए शायद, बहुत टाइम हो गया, तो तब मैंने ड्रॉ कर लिया था वो स्केच, अभी तक पेंडिंग पड़ा है, उसमें शेडिंग करनी है, उस स्केच को अब मैं कंप्लीट करूँगा। और फ्लाइंग बीच सर का स्केच है वो, गौरव तनेजा सर का, बहुत लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते वो यूट्यूब और इंस्टा पर जाके सर्च कर सकते हैं। तो उनका स्केच मैंने ड्रॉ करा था, आपको दिखा देता हूँ एक बार, तो इसी स्केच को अब मैं कंटिन्यू करूँगा। और फिलहाल मैं सोचा हूँ इस स्केच को कंटिन्यू करने से पहले ऊपर जाके सनसेट का टाइम लैप्स थोड़ा रिकॉर्ड करा जाए, तो ऊपर चलते हैं, पहले आप इसको ऐसे देख लो कितना है क्या है। ये स्केच है और यहाँ पर मैं अपना मोबाइल लगाकर वीडियो रिकॉर्ड करूँगा जब स्केच बनाऊँगा। तो ये स्केच है, देखो अभी ड्रॉ कर लिया है मैंने, ये आपको दिख रहा होगा, और लाइट जला के दिखा देता हूँ, ये देखो ये स्केच है। और इसमें मैं क्या क्या यूज़ करने वाला हूँ ये आपको दिखा देता हूँ। ये देखो 4B स्टैडलर की पेंसिल है, 4B, 2 ब्रश हैं, एक मोनोटोमो 0 रेज़र मैकेनिकल पेंसिल एंड 10B आर्ट लाइन की पेंसिल, 12B आर्ट लाइन की पेंसिल, और कुछ ब्लेंडिंग स्टम्प और ये बैटरी रेज़र। तो इनका यूज़ करके मैं ये स्केच को बनाऊँगा। तो अभी देखो अभी इतना है, अभी फ़िलहाल ऊपर चलते हैं टेरिस पर, टाइम लैप्स रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद अब इसको पूरा करना ही है जल्दी, इतने दिन से पेंडिंग पड़ा था। ऊपर आके मेरा हो गया पोपट बहुत बड़ा वाला, मैं नीचे से ट्राईपॉड लेके आया टाइम लैप्स रिकॉर्ड करने के लिए सनसेट का, और देखो बारिश आने लगी, मतलब सामने सूरज है, बादल एक भी नहीं है, पूरा आसमान खुला है, ये देखो आप, फिर भी बारिश हो रही है, पता नहीं कैसा मौसम हो रहा है। अब बंद हो जाए तो मैं रिकॉर्ड करूँ, नहीं तो पता पड़े तब तक सनसेट हो ही जाए।